कोई बालू बेच रहा है, कोई कोयला बेच रहा है, कोई गिट्टी बेच रहा है, ये परिवार जो है लूटने में लगा हुआ है। और जब इलेक्शन आता है तो वो जो है बोलता है कि जल जंगल और जमीन को बचाना है। अगर संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन अगर लूटने का काम किया है, सबसे ज्यादा अगर वो है सोरेन परिवार, सोरेन परिवार ने यहाँ पर लूटने का काम किया, यहाँ के जल और जंगल को जो है समाप्त कर रहा है। थोड़ा दिन के बाद अगर इन लोगों का राज चला तो ये जंगल भी देखने को मुश्किल हो जाएगा। अभी तो ये लोग जो है नदी पर जो है घास जन्मा दिया, बेच बेच करके, बालू बेच बेच करके। हमारे वहां पर जो है उसका भाभी जो है विधायक है, वो बालू का पूरा बोरा उठा रही है और पूरा बालू जो है खा। उनका क्या कमियां को दिखा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा झारखंड प्रदेश में प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली, धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है और उसी के नवीत आज शिकारीपाड़ा प्रखंड में धरना का कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो हेमंत सोरेन सरकार है ये पूरे तरह से फेलियर है, आज तक किसी भी योजना वो चालू नहीं कर पाया और यहाँ के जो सुखाड़ हुआ है उसके लिए एक भी योजना चलाने का भी काम नहीं किया, जो यहाँ पर ठग करके जो है सत्ता हासिल किया है और निश्चित रूप से ये जनता को धोखा देने का काम किया है। किसी भी तरह का राहत का, किसी भी तरह का योजना नहीं चलने के कारण हमारा यहाँ से आए आदमी बहुत ज़्यादा पलायन कर चुके हैं। ये सारा सर जो है हेमंत सोरेन को जाता है, वह निश्चित रूप से इसका दोषी है। और जिस तरह से यहाँ पर सोरेन परिवार यहाँ के संसाधन को लूटने का काम कर रहा है, चाहे वो गिट्टी हो, चाहे वो बालू हो, चाहे वो कोयला हो, ये जो है पूरे संसाधन को यहाँ से जो है भेजने का काम कर रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर उन लोगों ने थाना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर मिलकर प्रत्येक ट्रक में वह जो है 3,000 से 4,000 रुपया का टोकन रसीद जो है कटाता है और उस टोकन रसीद को देख करके थाना प्रभारी भी पीछे हट जाते हैं और यहाँ के संसाधन को दूसरे राज्य भेजा जाता है, जो राजस्व का क्षति होता है और ये सारा पैसा ये सोरेन परिवार के खाते में जाता है। 1932 के खतियान के आधार पर संहिता लागू कर पास कर दिए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक जो है ये जो है जुमला है, हम भी चाहते हैं 1900 खतियान पास हो, लेकिन उसका दिल में काला है, कहीं न कहीं वो भी नहीं चाहता है कि 1932 से खतियान पास हो। ये हेमंत सोरेन क्या ये भावना है, इसलिए के ये जो है जो लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। और इन लोगों ने अभी तक जो है बांग्लादेश गिट्टी भेजने का काम कर रहा है, जो दूसरे देश को बेचता है। यहाँ पर हम लोग का गिट्टी खरीदने के लिए लोग लड़ाई रहता है, इसी प्रकार से कोयला को भी बेचने का काम कर रहा है। ये लोग यहाँ पर थोड़ा दिन के बाद हमको लगता है जिस तरह से इसका राजपाट चल रहा है, सारा जो आप पहाड़ पर्वत देख रहे हैं, गाछ वृक्ष देख रहे हैं, सबको जो है वो खत्म कर देगा, नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए के मित्रों मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार को बहुत जल्दी उखाड़ फेंकने की जरूरत है। लेकिन इन लोगों को शर्म भी नहीं है, मुख्यमंत्री ईडी से नोटिस आता है, बसंत सोरेन को आता है, शीतल सोरेन को आता है, जब जब इन लोग पावर में रहा है तब तक ये लोग जो है कुछ न कुछ घटना करते रहता है, लेकिन जरा भी शर्म नहीं है। शर्म नाम का चीज नहीं, जब सिद्धू सोरेन भी था उस समय भी वो पकड़ाया था, ये लोग का बेटा लोग का भी वही होगा। तो ये जो बाप सिखा के रहा है इसलिए लोग छोड़ने वाला भी नहीं है। इसलिए के इन सबों को जो है आने वाला समय आप लोग झूठ फूस बोल करके, हम लोग थोड़ा सीधा साधा हैं कि जो है 3,000 का 3 लाख का प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा, तो हम लोग लालच हो गए बेरोजगार 5 लाख को नौकरी दे दी, हम लोग लालच हो गए बेरोजगार को भत्ता दे दो, लालच आ गया और लालच में गए हम लोग फंस गए। आप फंस गए तो ये हाल हम लोगों का है, ये दुर्दशा हम लोगों का है। इसलिए एक तो बार भूल हुआ है, आने वाला समय भूल नहीं हो। और आपको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रहा है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने जा रहा है। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ, मैं तमाम कार्यकर्ताओं को ऐलान करना चाहते हैं, जो भी कर्मचारी
और पदाधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंट के तरह काम कर रहा है उसका सूची बना करके रहिए रखिए, जब हमारी सरकार आएगी उसका पनिशमेंट हम लोग देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको दुहाई, सबको नमस्कार। जिस विषय पर आज हम सब लोग बात कर रहे हैं, जिस विषय के लिए अपने अपने हाथ से अपना पीठ थर दबा रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी, आप सबको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी जी ने उसी समय स्थानीय का नीति तय करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दुर्भावना से ग्रसित लोग, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन ने इसके बारे में क्या कहा था उस समय आपको याद होगा। शिबू सोरेन जी से जब पत्रकार साथी मिले थे और बाबूलाल जी द्वारा लाए जा रहे उस स्थानीय का नीति के बारे में जब उनको पूछा गया तो शिबू सोरेन बोले थे बाबूलाल मरांडी बाहरी और भीतरी को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं, उनकी नीति और नियत कितनी साफ है। हर कोई चाहता है कि झारखंड के गरीबों को बर्बर आप कितने जगह ले जाते हैं उसको देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसका हिस्सा आपको पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पे भोले भोले आदिवासियों को आप कहते हैं, कोयले के उत्खनन की जब बात होती है तो आप कहते हैं कि जान देंगे, यही सिखाते हैं आप गांव के लोगों को, जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। बात तो ठीक करते हैं लेकिन उसी जगह से रात में आप खनन करवाते हैं, वह कोयला कहां जाता है, उसका पैसा किसको जाता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, यहां के गरीब के हाथ में छूटी कौड़ी नहीं है। हर तरह आपको लूट करके बर्बाद करके छोड़ा हुआ इस राज्य, और आज भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है। आज जो बच्चियों के साथ दुर्घटनाएं हो रही है, आज जो पेट्रोल कांड हो रहे हैं, आप इस विषय में सुनेंगे अध्ययन करेंगे तो आश्चर्य होगा कि जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम देकर के जेल भी चले जाते हैं, इसके बाद भी कहीं से कहानी बनकर आती है कि नहीं जानते हो उसको कैसे जलाकर मारा था और जिस तुमको भी चला। अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है, अपराधियों में सरकार का डर नहीं है, बल्कि अपराधी पिछले अपराध की घटना को उदाहरण बना के अगले को डराता है कि पता नहीं है तुमको उसको कैसे मारा था वैसे तुमको भी मारा। जबकि सरकार का खौफ होना चाहिए, पुलिस का खौफ अपराधियों में होना चाहिए कि उस घटना में जिस तरह से वह दोषी दंडित किया गया अगला भी दंडित नहीं हो, इसलिए ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और इसीलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रखंड मुख्यालय के सामने अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं। हमारी यह जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते कि जो भी झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।